पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। तो बात अब गिटार तक पहुंच गई है। मतलब आकाश बहुत ज्यादा अपसेट लग रहा है, क्या करूं? I'm sorry, आकाश। अरे तुम कब आई? क्या हुआ, सॉरी क्यों बोल रही हो? मुझे पता है यार, तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी हो रही है। आकाश वो ये सब सिर्फ खुन्नस निकालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं सुनी, मैंने ये जॉब छोड़ दी। हाँ? आकाश वो हमें डिजर्व नहीं करते, ना तुम्हारे जैसा जीएम और ना मेरे जैसी शेफ। हम कहीं और नौकरी ढूंढ लेंगे और फिर से एक साथ दोनों मिलके एक ही जगह पे काम करेंगे। और देखना, विद इन अ मंथ हम सब ठीक कर लेंगे। क्या ठीक कर लेंगे पल्लवी? तुम ये क्या बोल रही हो? क्या क्या है तुम्हें? तुम्हें कुछ पता भी है कि कैसे क्या होता है, कि ये घर कैसे चल रहा है? पल्लवी ये घर मेरी सैलरी की वजह से चल रहा है। दुकान की हालत शायद आपको पता नहीं होगा मैम, लेकिन इट्स नॉट गुड। और हम लोग सब एक महीने आपके सपनों की उड़ान की वेट करें। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन पल्लवी, जो जॉब से निकाला नहीं गया, सिर्फ इंक्वायरी बैठी। मैं अपनी इस जॉब से बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं बदलनी कुछ भी। आकाश मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? यही कि मेरी जॉब पे इंक्वायरी बैठी है तुम्हारे जॉब छोड़ने की वजह से? नहीं, मेरी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है, शायद तुम्हें ना हो फेथ मेरी कैपेबिलिटीज पे, लेकिन मुझे है। आकाश तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हें बेटर फील कराना चाहती थी, एक पॉसिबिलिटी बता रही थी कि कैपेबिलिटीज, फेथ। पागल हो क्या? मुझे बेटर फील करवा रही थी ऐसे। अगर मुझे तुम्हारे ऊपर फेथ नहीं होगा तो किसे होगा? I believe you, Pallavi. तुम मेरी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन कर रही हो और मुझे बेटर फील करवा रही हो। थैंक यू सो मच, मैं बेटर फील कर लूंगा, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। आकाश क्या है ये? उल्लू भी है, थोड़ी डोंकी भी, पर क्यूट है। अरे आकाश, ओके ओके ओके, सॉरी। अच्छा सुनो ना, ये जॉब वाली बात ना, इसकी टेंशन सिर्फ और सिर्फ मुझे लेनी थी। तुम इसके बारे में इतना मत सोचो, तुम भी टेंशन लोगी तो मजा नहीं आएगा ना। क्या फायदा, दोनों टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है, मेरा पति रॉक स्टार है, मुझे पता है, मैं सब मैनेज कर लूं। थैंक्स टू यू। और हाँ, ये वाली बात अपने घर पे, पापा तनुती दीपो जी किसी को मत बताना। कोई हर्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा मेरे लिए एक्सप्लेन करना। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं खुद बता दूंगा। ओके, यस बॉस।
ओके यस बॉस पक्का प्रॉमिस चाची चाची आराम से आप ठीक हो ना कोई मोच-मोच तो नहीं आई ना नहीं नहीं पक्का हाँ हाँ कुछ चाहिए था आपको चाची जी मुझे नहीं तो मुझे क्या चाहिए भगवान की दया से सब कुछ तो है मेरे पास और नहीं तो क्या भगवान का दिया सब कुछ तो है भाई चाची के पास बस गॉसिप नहीं है ना आज के लिए चुपके चुपके हमारी बातें सुन रही थी है ना हट मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या मेरे सारी सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट अभी दोपहर को आता है वो देखूंगी कि तुम दोनों की बातें रिपीट टेलीकास्ट बहुत जरूरी है वो तो मैं यहाँ से उस तरफ जा रही थी साड़ी साड़ी देखो कितनी नीचे आ गई है तो साड़ी में ऐसा पैर फंस गया और मैं ऐसे गिरते गिरते बच गई ओ कैसे 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 अरे देखो ये नीचे है ना साड़ी तुम ध्यान रखना साड़ी पहनती हो तो और दरवाजा अच्छे से बंद किया करो ना अंदर से बंद कर लिया करो ना दरवाजा अच्छे से तुम नहीं बंद कर सकते सॉरी बेबी बंद क्यों रखती है क्या करना है बंद करके क्या करना है बंद क्या करना है आकाश ए यार आज सब मोहब्बत के दुश्मन हो रखे हैं जाओ अच्छा ये सब क्या है? ये सारे शूज क्यों फैला दिए? और ये क्या है? A B, what is this? अरुण, ये जो है ना stack A है और ये है stack B. इसमें सारे comfortable शूज हैं और इसमें ना heels है, fashionable शूज है, elegant शूज है. लेकिन इतने comfortable नहीं. लेकिन ये जो है ना super comfortable. And you know what? Comfortable है लेकिन थोड़ा काम करना पड़ेगा. तो ये exact super comfortable हो जाएगा. लेकिन तुम्हें कहा किसने ये सब करने के लिए? अरे सब बिगाड़ दिया तुमने सब कुछ मिक्सअप कर दिया मैंने प्रोफेशनल्स हायर किए हैं जो मार्केट की भाषा समझते हैं एग्जैक्टली वरुण वो मार्केट की भाषा समझते हैं प्रोफेशनल है और मैं कौन हूँ कस्टमर तुम्हारी कस्टमर इसलिए मैं तुम्हें कस्टमर की वैल्यूएबल फीडबैक दे रही हूँ यही समझ लो अच्छा एक बात बता तुम्हारे पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है मेरे जैसे लोग राइट मेरी एज के और मैं कौन हूँ एयर होस्टेस मुझे स्टाइल फैशन क्या एलिगेंट है क्या ट्रेंड है ये सब पता है एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन तुमसे बेटर है मेरी फैशन स्टाइल ये तो तुम्हें अच्छे से पता है राइट हाँ राइट तुम तो महान हो तुम्हें सब कुछ पता है और मैं गधा हूँ है ना लेकिन क्या है ना कि ये बिजनेस जो है ना ये मेरा है सो लेट मी रन इट माई वे फेल होऊंगा तो मेरा फेलियर है कामयाबी हुई तो मेरी बट प्लीज तुम इंटरफेयर मत करो अपनी एडवाइस अपने पास ही रखो इतने पर्सनल क्यों हो रहे हो अरे बहू माना कि तुम्हारे पापा ने पैसे दिए हैं तो क्या हुआ भाई धंधे की समझ और दिमाग तो वरुण के पास भी है ना लौटा देगा पैसे वो जो कर रहा है उसे अपने हिसाब से करने दो ठीक है वो धंधा संभाल रहा है तुम घर संभालो है तो ये सब बढ़िया फाइन मतलब अब मेरी जॉब नहीं है तो मैं घर संभालू और बच्चे पे फोकस कर राइट वेट ओके एक्चुअली वो पल्लवी मुझे कॉल करने वाली थी प्रेगनेंसी की पार्टी है ना उसके बारे में कुछ डिस्कशन करना था मैं उसको कॉल कर देती हूँ और तुम करो अपना बिजनेस क्या रिया Small token from Pappi Mehra. भाई सब एक बात बताइए जो बाहर जो गली है
उसे तोड़ के थोड़ी बड़ी कर सकते हैं? मतलब? अरे लग्जरी कार जो गिफ्ट करनी है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।